जी हाँ, द बॉयज एक ऐसा शो जिसने सीजन 1 से ही धूम मचा रखी है। एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट और एक ऐसा डार्क शो जो कि इस शो को बेहतर बनाता है। रिसेंटली द बॉयज का सीजन 4 चल रहा है जिसके अभी तक 6 एपिसोड्स आ चुके हैं, एंड आज हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो इस शो को बेस्ट बनाता है, और क्या सीजन 4 कुछ खास है या फिर एक डाउनग्रेड। चलिए शुरू करते हैं। द बॉयज की मेन स्टोरी लाइन सबको पता है कि एक ऐसी दुनिया जहां पर सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं बट वो इविल है, जहां सुपर हीरोज बाहर से अच्छे हैं लेकिन अंदर से एकदम करप्टेड हैं, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में पॉलिटिशियंस हैं। मजा नहीं आ रहा है। द बॉय एक ऐसा शो है जो डार्क ह्यूमर और सभी डार्क चीजों को कवर करता है, जो होमलैंडर की साइकोलॉजी भी एक्सप्लोर करता है कि आखिर क्यों वो ऐसा है और वो इंसानों को बस एक खिलौना क्यों समझता है। सुपर हीरोज और उनकी फक्ड अप साइड दिखाता है कि कैसे दुनिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है थ्रू मीडिया एंड सीरीज, एंड कैसे लोगों को महान दिखाया जा रहा है जबकि उनके हाथ खून से रंगे हैं। खैर, सीजन 1 जब शुरू होता है तो बढ़िया लगा, सीजन 2 शुरू होता है तो वो भी बढ़िया लगा, सीजन 3 में लगा कि चलो ठीक है, लेकिन सीजन 4 में लगा कि कुछ तो होगा बट। नहीं हो रहा। सीजन 4 में हमें लगा कि भाई द बचर अब मर जाएगा, होमलैंडर कुछ करेगा, कुछ तबाही एपिसोड होंगे, एक तबाही सीरीज होगी, बट नहीं, सीजन 4 भी बस वैसे ही चल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील हो रहा है। हर एक एपिसोड में बस वही सब गाली गलौज, मारकाट, नए सुपर हीरोज आना जाना, नए कैरेक्टर्स का आना, बट सीजन 4 में सबकी स्टोरी सेपरेट चल रही है और सब लोगों के लगे पड़े। हर सीजन की तरह सब स्ट्रेस्ड में है बट प्रगति कोई नहीं है स्टोरी में। जहां खत्म किया जा सकता था उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और यही है OTT का नुकसान, जूस निकाल देते हैं अगर कोई सीरीज हिट हो गई तो। बट ऐसा नहीं है कि सीजन 4 एंजॉयबल नहीं है। सीजन 4 में इस बार रेफरेंस गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे एम्बर टर्ड, मेरा मतलब एम्बर हर्ड का रेफरेंस हो, by a jilted and emotionally unstable hysterical woman who, let's be clear, pooped in my bed. Deep. और अभी लेटेस्ट एपिसोड में स्पाइडरमैन को जिस तरीके से दिखाया गया है, भाई साहब मेरी तो आंखें ही बाहर आ गई थी वो जगह देखकर, और जहां से जाल निकलता है वो चीज तो आया छी छी, मेरा मतलब जो हम मीम्स में इमेजिन करते हैं वैसा, और जो ज़ेंडाया का रेफरेंस था, भाई साहब चेरी ऑन टॉप, मजा आ गया। The safe word. It was Zendaya. और सबसे बेस्ट चीज जो इस सीजन को बढ़िया बनाती है वो है होमलैंडर के एक्टर की एक्टिंग। भाई साहब झंडे गाड़ दिए उन्होंने। जिस तरीके से होमलैंडर को दिखाया है इस सीजन में और उसकी साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया है, बहुत बढ़िया। होमलैंडर ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों एंड अप हुआ है सब समझ आता है। जब भी होमलैंडर स्क्रीन पर आता है धड़कनें तेज हो जाती हैं कि भाई यार ये अब फिर से किसको मारेगा, टेंशन हो जाती है दिमाग में, बीपी बढ़ जाता है मेरा। सच में ह्यूमन सिर्फ एक खिलौने हैं जिस तरीके से हर किसी को मारा जाता है। डैम भाई डैम। अभी तक शो में इंटरेस्ट तो बना हुआ है, जहां स्टाइलाइट की रियलिटी भी दुनिया के सामने है, होमलैंडर की भी है, द बचर अपने एंड लेवल पर है और जहां पर उसकी मेंटल हेल्थ भी एकदम फक्ड अप हो चुकी है। फाइट क्लब की तरह वो बंदे इमेजिन कर रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसके साथ जो भी लोग बातें कर रहे हैं वो रियल है बट वो असल में नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसके साथ चल रही हैं और अभी तक एकदम एक खिचड़ी बनी हुई है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, भसड़ हो रखी है भयंकर। लेकिन देखते हैं कि ये सीजन 4 कैसे एंड होता है और सीजन 5 को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाता है और कैसे एंडिंग पर छोड़ता है, कैसे क्लिफ हैंगर पर छोड़ता है। तो अगर आप लोग सीजन 4 एंजॉय कर रहे हो तो हमें कमेंट्स में बताओ, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताना। काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जानता हूँ कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं हूँ बट हर बार की तरह वादा करता हूँ कि इस बार हम कंसिस्टेंट जरूर रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार करो हर साल की तरह। धन्यवाद, बाय बाय।